गछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड अंतर्गत जहांगीरपुर बैसी में कोसी नदी के भीषण कटाव में दो मंजिला इमारत भी ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर समा जा रहे हैं। कटाव में मोहम्मद मतीन का दो मंजिला घर नदी में समा गया। उसके साथ ही कोसी नदी में मंटू, आमिर, मुश्ताक, अशफाक और किस्मत के भी घर नदी में विलीन हो गए। गांव के अब तक 112 लोगों के घर इस साल नदी में समा गए हैं। कटाव से विस्थापित परिवार रेंग बांध पर झोपड़ी बनाकर, पलीथी टांगकर, खाना बदोश के तरह जीवन गुजार रहे हैं। उन्हें कोई भी देखने वाला नहीं। रेंग बांध पर रह रहे लोगों को पेयजल के लिए बहुत परेशानी हो रही है। अनुमंडल पदाधिकारी ने रेंग बांध पर रह रहे लोगों के पेयजल के लिए चापाकल लगाने के निर्देश दिए, लेकिन उनके निर्देश के बावजूद चापाकल नहीं लगाया गया। पीड़ित मोहम्मद इश्तिखार कहते हैं कि सरकार की तरफ से अब तक केवल 2 किलो सूखा चूड़ा दिया गया है, उसके अलावा कोई सुविधा नहीं। पीड़ित परिवार के लिए गांव में ही भोजन तैयार होता है। गांव वाले सामग्री इकट्ठा कर पका हुआ भोजन विस्थापित परिवारों को देते हैं। 4 जुलाई से लगातार भोजन वहीं से पा रहे हैं। पीड़ित मोहम्मद मतीन का कहना है कि प्रशासन यही चाहता तो हम लोगों के घर नहीं कटते। जल संसाधन विभाग के द्वारा फ्लड फाइटिंग के तहत कार्य नहीं के बराबर किया जा रहा है। केवल 10 मजदूर कार्य कर रहे हैं, वो भी एक दिन का गैप करके कटाव रोकने के लिए सामग्री डालते हैं। कटाव निरोधी कार्य भी बिल्कुल नहीं हो रहा। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता दिनेश कुमार ने कहा कि फ्लड फाइटिंग कार्य के लिए सहायक अभियंता और जेई जहांगीरपुरी बैसी में कैंप कर रहे हैं। कटाव रोकने के लिए बम्बू रोल डाला जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। ला इलाहा इल्लल्लाह अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन।